हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मैथ की, और टॉपिक है क्षेत्रमिति में आयत और वर्ग के परिमाप व क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रमिति जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हमारी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। आज जो हम सवाल करेंगे, 4 ये सवाल हैं और एक सवाल और लिखा हुआ है अलग से, यानी कि टोटल 5 सवाल करेंगे, और पांचों सवाल आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयत और वर्ग होते क्या हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये है आयत। इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है, देखिए मैंने लिख भी रखा है कि इसके सारे कोण 90 डिग्री के हैं और आमने सामने की भुजाएँ इसकी बराबर हैं। और ये है वर्ग, इसमें सारे कोण 90 के हैं और इसकी सारी भुजाएँ बराबर हैं। तो दोनों में क्या अंतर है मेन, कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में सारी। अब बात आती है आयत के क्षेत्रफल की। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे ही वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2। दो घात का मतलब है 2 बार गुणा, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर के भाग से है, और परिमाप का मतलब इस बाहर की जो ये दूरी है इससे, यानी कि यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें और इस किनारे किनारे चल चल के हम यहाँ पे आ जाएं तो वो इसका परिमाप है। अगर आपको पेपर में कभी किसी भी आकृति का परिमाप अगर सूत्र भूल जाते हैं तो आप उसकी सारी बाहरी भुजाओं को जोड़ दीजिए, वो उसका परिमाप होता है। वैसे तो सूत्र याद रखिए, अगर फिर भी भूल जाएँ तो परिमाप निकालने के लिए तो हम बाहरी भुजाओं को जोड़ सकते हैं, पर क्षेत्रफल सूत्र से ही निकलता है। अब जो सवाल है पहला उसे करते हैं। निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। इनके हमें केवल परिमाप निकाल के दिखाने हैं, पर मैं इनके क्षेत्रफल भी आपको निकाल के दिखा दूंगा इसके अलावा। तो पहले इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। देखिए पहले लंबाई कितनी है इसकी, वो लिखिए। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है इसकी 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो पहले निकाल देंगे क्षेत्रफल, चूंकि ये आयत है। कैसे पता चला आयत है, क्योंकि इसमें दोनों लंबाई चौड़ाई अलग अलग है और आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, जब भी इन्होंने यही दे रखी है बस। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है हमारी 6, चौड़ाई है 3, ये हो गया 18 सेंटीमीटर की घात 2। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे 2 घात लगाएंगे, आयतन में 3 घात लगाते हैं, भुजा में सिंगल। अब निकालेंगे परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई है 6, चौड़ाई है 3, तो 2 ब्रैकेट में 9 और 9 दूनी हो गया 18 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा इसका परिमाप। दूसरा सवाल है, ये हमारा देखिए वर्ग है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और सारे कोण इसके 90 के हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे भुजा कितनी दे रखी है। आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, वर्ग में केवल भुजा होती है क्योंकि सारी भुजा बराबर होती हैं। तो भुजा दे रखी है 10 मीटर। ये अलग सवाल है, ये अलग है, कहीं मिक्स ना हो जाए। तो इसका निकालेंगे पहले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र है इसका भुजा की 2 बार गुणा, यानी कि भुजा गुणा भुजा। कितना आ जाएगा, 10 गुणा 10, यानी कि 100, और ये मीटर में दे रखा है तो इसका उत्तर भी आएगा मीटर की घात 2। इसी तरीके से परिमाप निकालेंगे इसका। तो परिमाप का सूत्र है इसका 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा 10, यानी कि 10 चौक 40 मीटर। ये 2 आ गए हमारे उत्तर। अगला सवाल है, देखिए ये आकृति दे रखी है हमें, यहाँ से शुरू होके यूं 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 और यूं, इसका हमें क्या निकालना, परिमाप। इसका हम परिमाप निकालेंगे केवल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल थोड़ा टिपिकल होगा। परिमाप निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, अगर आपको सूत्र ना बताओ, क्योंकि ये आकृति ना तो आयत है ना वर्ग है, अगर हम इसे यूं मिला दें तो ये यहाँ वर्ग बन आयत बन रहे हैं, तो एक ऊपर आयत और एक नीचे आयत, पर ये ना आयत है ना वर्ग है। तो इसमें मैंने क्या बताया था, इनकी केवल बाहरी भुजाओं को जोड़ दो। तो बाहरी भुजाएं कौन कौन सी, देखो यहाँ से शुरू करते 5 प्लस 1.2 और 1.2 दो बार है, प्लस 1.5 1.5 है, प्लस 1 और 2, सारी बाहरी भुजाओं को मैंने इसकी जोड़ दिया, वो इसका परिमाप होगा। जोड़ेंगे तो देखिए पहले तो पूर्णांकों को जोड़ लो,
पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ तो ये हो गए, ये हो जाएगा 2.4 और ये हो जाएगा 3.0। तो टोटल जोड़ेंगे तो 9 को 9.0 लिखेंगे, 2.4 और 3.0, तो ये हो गया 4, 9 और 2 11 और 3 14, यानी कि 14.4 मीटर, क्योंकि यहाँ पर सारी भुजाएं मीटर में, तो परिमाप भी किसमें आएगा, मीटर में। तो परिमाप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, अगर हमें सूत्र नहीं याद है तो इस तरीके से परिमाप निकाल देते हैं। अब आगे के सवाल करते हैं, जो चार सवाल मैंने आपको दिखाए थे। पहला सवाल पढ़ते हैं इसका। पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है। निशा के विद्यालय में खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक नई शब्द आपने सुना, एयर में ज्ञात कीजिए, जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जैसे मीटर दे रखा है तो मीटर की घात 2 लगा देंगे, पर इसमें दे रखा है एयर में निकालो। अगले वाले एक सवाल में दे रखा है हेक्टेयर में निकालो। तो इस तरीके से जो सवाल हैं हमारे एयर हेक्टेयर वाले, उसमें मैं आपको बता दूं, अगर हमें मीटर स्क्वायर दे रखा है, एयर बनाना है तो 100 से भाग करेंगे, और एयर से मीटर स्क्वायर बनाना है तो 100 से गुणा करेंगे। ऐसे हेक्टेयर से अगर मीटर स्क्वायर बनाना है तो 10,000 से भाग करेंगे, वो गुणा करेंगे, और मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर बनाना है तो 10,000 से भाग करेंगे। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, तो लंबाई हमें दे रखी है इसमें 60 मीटर और चौड़ाई हमें दे रखी है 50 मीटर। और निकालना क्या है इसका, क्षेत्रफल निकालना, वो भी एयर में। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे मीटर की घात 2 में, सिंपल जो हम निकालते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, चूंकि ये एक आयत है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग हैं, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है इसकी 60, चौड़ाई है इसकी 50। ये हो गया हमारा 3,000 मीटर की घात 2। इसे हमें निकालना एयर में, यानी अगर एयर में ना पूछा होता तो ये हमारा उत्तर हो जाता। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर मीटर की घात 2 से एयर बनाना है तो 100 से आपको भाग करना पड़ेगा। अब ये बन गए एयर, समझ में आ गया। मीटर की घात 2 से एयर बनाना, 100 से भाग कर दिया, अगर एयर से मीटर की घात 2 बनानी तो 100 से गुणा कर देंगे। अगर हेक्टेयर के चक्कर होता तो 10,000 आएगा, बस इतना अंतर है। 2 0 2 0 कट गई, तो ये आ गया 30 एयर। ये जो है क्षेत्रफल नापने की बड़ी इकाई है, इस वजह से इसमें जो है छोटे मान आते हैं, पर 30 एयर का मतलब 3,000 वर्ग मीटर के बराबर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। एक टाइल है, घर में लगी देखी होंगी आपने, वर्गाकार उसकी आकृति है, उसकी एक भुजा है 12। टाइल का क्षेत्रफल वे परिमाप निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है, केवल सूत्र लगाना है। हमें दे रखी है टाइल की भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा एक तरह से ही है, क्योंकि टाइल तो वर्गाकार है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है क्षेत्रफल का इसके, भुजा गुणा भुजा। भुजा कितनी है हमारी इसकी, 12 गुणा 12, और 12 12 होते 144 सेंटीमीटर की घात 2। और निकालना परिमाप, तो परिमाप का सूत्र भी पता है हमें। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा 12, 12 चौक हो गए 48 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गए हमारे उत्तर। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 और 4, उन्हें ध्यान से समझिए। सवाल नंबर 3 क्या कहता है सवाल, उसे पढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। हेक्टेयर में दे रखा है, ना एयर में ना मीटर में। तो मैंने अभी आपको बताया है, अगर हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर बनाने तो क्या करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे, और अगर मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर बनाना है तो 10,000 से भाग करेंगे। आप इस बात को लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, अगर एयर से मीटर की घात 2 बनानी है तो 100 से गुणा, मीटर की घात 2 से एयर बनाना है तो 100 से भाग। ऐसे हेक्टेयर से मीटर की घात 2 बनाने तो 10,000 से गुणा, और मीटर की घात 2 से हेक्टेयर बनाना तो 10,000 से भाग। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो
तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है, बस इस एयर की वजह से। तो सबसे पहले से मीटर की घात दो बना लेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है 0.5 हेक्टेयर। और मैंने आपको बताया अगर हेक्टेयर से मीटर की घात दो बनाना है तो क्या करेंगे हम, 10,000 से गुणा, बन गया मीटर की घात दो। अब आपको पॉइंट हटाना आना चाहिए, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा लेते हैं, वो जीरो इससे कट गई, तो ये आ गया केवल 5 के आगे 3 जीरो, यानी कि 5,000 मीटर की घात दो। क्या आया ये, क्षेत्रफल किसका, आयत का। और निकालनी क्या हमें इसकी, चौड़ाई लंबाई दे रखी है ना, एक भुजा दे रखी है और दूसरी ज्ञात करनी, मतलब लंबाई दे रखी है चौड़ाई ज्ञात करनी है, ऐसा मान लो। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है इसकी, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया और जो दे रखा है वो हमने ऐसे ही लिख दिया, ये भी क्षेत्रफल है ये भी क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफल ही तो है, ये हमें दे रखा है ये हमने सूत्र लगाया है। एक भुजा 125 दे रखी है तो वो लिख दी, दूसरी भुजा हमने चौड़ाई रहन दी, बराबर 5,000, ये आ जाएगा बटे में, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 5,000 बटे 125। 125 से 40 बार कट जाएगा तो चौड़ाई आ गई हमारी 40 मीटर। ठीक है जी, ये आ गया हमारा उत्तर। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 क्या है, एक खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। इसमें अनुपात का भी यूज हो गया, पहले सवाल पढ़ लेते हैं पूरा फिर बताऊंगा। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। तो अब आपको एक बात बता दूं, खेत के चारों तरफ मेड़ बनानी है, मान लो ये मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, ये हमारा कोई आयताकार क्षेत्र है, इसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं, और मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज़ अनुपात में हो तो उनके साथ एक्स एक्स लगा लेते हैं। तो हमें अनुपात दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का कितना, 3:2, तो हम मान लेंगे, माना लंबाई बराबर 3x मीटर और चौड़ाई बराबर 2x मीटर, ये दो चीज़ हमने मान ली, तो ये तो 3x हो गई, ये 2x हो गई, x का मान पता नहीं है। अब ये कह रहा है कि खेत के चारों ओर मेड़ बनवानी है, ये है खेत का चारों ओर मेड़ बनवाने वाला हिस्सा। वीडियो जब शुरू की थी मैंने शुरू में तो मैंने आपको बता दिया था, ये जो चारों तरफ वाला हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं हम, परिमाप कहते हैं, है ना, परिमापी तो होता है ये। तो हमें इस सवाल में इसका परिमाप निकालना है, और परिमाप निकालने से पहले हमें इसकी भुजा पता होनी चाहिए। भुजा हमें एक्स के पदों में तो पता है, पर हमें संख्या के रूप में पता होनी चाहिए। वो कैसे पता चलेंगी, वो पता चलेंगी हमें इस वाले पॉइंट से, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है उससे। तो क्षेत्रफल जो दे रखा है कितना दे रखा है, 0.5 और 1.5 हेक्टेयर, फिर वही हेक्टेयर में है, और ये दे रखी है जो खर्चा हमें यहाँ मीटर में दे रखा है, तो इस मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में तो नहीं, मीटर की घात 2 में होगा, हम कर देंगे इसमें 10,000 से गुणा, जैसे इस वाले सवाल में किया था, मीटर की घात 2, पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लेंगे, वो एक कट जाएगी, तो क्षेत्रफल बराबर आ गया 15,000, 15 के आगे 3 जीरो। क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 15 के आगे 3 जीरो। लंबाई के नीचे लंबाई लिखो जी कितनी है, 3x, चौड़ाई कितनी है, 2x। अब आपको गुणा करनी आनी चाहिए बीजगणित के पदों की, देखो 3 × 2 = 6 हो गया, और x हो गया x की घात 2, यह आ जाएगा बटे में, यह आ गया 2500, तो x की घात 2 आ गया 2500। अब वर्गमूल निकालना आपको नहीं आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 घात हटा देंगे और यहाँ पर वर्गमूल का निशान लगा देंगे, ये है वर्गमूल का निशान, आप आगे वाली क्लासों में सीखेंगे, ये इसका वर्गमूल निकल के आएगा 50। एक्स का मान 50 आया है, एक्स के मान को क्या करेंगे हम, लंबाई और चौड़ाई में रखेंगे, तो लंबाई आ गई 3x, यानी कि 3 × 50 150 मीटर, और चौड़ाई आ गई 2x, यानी कि 2 × 50 यानी कि 100 मीटर। तो हमने लंबाई चौड़ाई निकाली, पर क्या हमसे लंबाई चौड़ाई पूछी है, जी नहीं, हमसे पूछा है कि इसके चारों तरफ मेड़ बनाने का खर्चा निकालना है। तो मेड़ बनाने के लिए क्या निकालेंगे, अभी बताया था मैंने क्या निकालेंगे, मेड़ जब चारों तरफ बनाने तो क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप बराबर का सूत्र लगा दो, अब लंबाई चौड़ाई तो पता चली गई,
दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, दो ब्रैकेट में लंबाई है 150, ये ऊपर निकालिए, चौड़ाई है 100, तो ये दो और ये हो गए 250, टोटल हो गए 500 मीटर। अब खर्चा जो निकालना है उसका हमें दे रखा है, खर्चा तो दे रखा है ना, 1.5 रुपया 1 मीटर का है, तो 500 मीटर कितना, एक एक नियम लगे गुणा कर दो इसमें जो खर्चे की, तो मेड लगाने का खर्चा आ जाएगा 500 गुणा 1.5 रुपये की है 1 मीटर लगा मीटर के हिसाब से, तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो नीचे, और ये 0 कट गई, 15 × 5 = 75 और 0, 750 रुपये में वो लगेगी मेड़ इसके चारों तरफ। तो देखिए हम इस तरीके से अपने खेती बाड़ी में जो भी है खेत के चारों तरफ मेड़ है, क्षेत्रफल है, उसका भी हिसाब लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको क्षेत्रमिति की दूसरा पार्ट है जो उसमें आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के सवाल निकालना सिखाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अगर अभी भी कोई आपको कमी लग रही है, हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आप लगातार ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्षेत्र मिति का पूरा ही टॉपिक लगातार कवर होगा, रोजाना एक वीडियो अपलोड होगी, दो वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बहुत जल्दी आगे की वीडियो अपलोड होंगी, 6 से 8 तक जितने भी मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो सारे कवर करेंगे। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, बहुत बहुत धन्यवाद।